गगहा थाना क्षेत्र में डीजल चोरी, लूट व आर्म्स एक्ट के आरोप में गगहा पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्तों में शिवम कुमार पुत्र छोटू, पुत्र स्वर्गीय राम भवन निवासी बैकुंठपुर थाना गगहा, नितेश उर्फ बाबूलाल पुत्र बंसु पासवान निवासी रामनगर कड़जहां थाना खोराबार, दिलीप शर्मा पुत्र अंबिका शर्मा निवासी बैकुंठपुर थाना गगहा, सर्विंद्र पुत्र गणेश शर्मा निवासी बैकुंठपुर थाना गगहा शामिल हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 40 लीटर चोरी की डीजल, लूट का 1400 रुपया नकद व 4 जिंदा कारतूस बरामद किया है। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया। ये गगहा थाने में इन्होंने डीजल चोरी, थाना अध्यक्ष और उनकी टीम ने डीजल चोरी करने वाले कुछ अभियुक्तों को पकड़ा है। इसमें 4 अभियुक्त पकड़े गए थे। कल इनको गगहा से जो ये गजपुर वाला मार्ग है वहाँ पे माता मंदिर के पास इन्होंने एक बोलेरो को जाते हुए रोका था रात में, और वो थोड़ी देर उसका पीछा करने के बाद वो रुकी तो वहाँ से इन्हें 40 लीटर जो डीजल प्राप्त हुआ, और उसमें उन्होंने उस समय एक्सेप्ट किया कि हम लोग जो रोड पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं ट्रक, उनसे डीजल चोरी कर लेते हैं। ऐसी घटनाएँ पहले भी होती रही हैं दिल्ली पार में, और इधर नेशनल हाईवे पर जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वहाँ पर चोरी, डीजल चोरी की बातें पहले भी संज्ञान में आती रही हैं। डीजल चोरी का अभी इनका यही एक अपराध अभी है, और ज़्यादा पूछताछ अभी पूरी नहीं हुआ है, पूछताछ करते हैं अगर और भी हो सकता है कि या नए नए इनिशिएटिव ले रहे हों तो भी। वो तो ट्रक पे किनारे खड़ा होता है, उसका डीजल पास को खोलते हैं और उसमें पाइप डाल के निकाल लेते हैं अपने कैन में। सिंपल सा एक नॉर्मल थ्योरी है, उसी पर ये करते हैं। उसी डीजल बेचने के लिए ये पता कराया जा रहा है। यहाँ भी एक्चुअली अभी अपराध को केवल अपने आधे स्तर तक ही किए हैं, इसके आगे किसको सेंड करते, किसको बेचते हैं, किसको कहाँ करते हैं ये भी पूछताछ। अभी तो हो सकता है इसमें विवेचना में और भी लोग आए।